नमस्ते दोस्तों, मैं नम्रता नेगी एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका UKFM YouTube चैनल में। आज हम आपको दुबई में बने भव्य हिंदू मंदिर के बारे में जानकारी देते हैं। दुबई के इस आलीशान मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा गया है। इस मंदिर का 4 अक्टूबर को शानदार तरीके से अनावरण किया जाएगा। 5 अक्टूबर को इस मंदिर को दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। इस मंदिर को दुबई के जेबल अली इलाके में बनाया गया है। इसी इलाके में एक सिख गुरुद्वारा और कई चर्च भी मौजूद हैं। इस मंदिर के अनावरण के दौरान UAE सरकार के अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे। इस मंदिर में शादी, हवन और अन्य निजी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। मंदिर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। औपचारिक उद्घाटन के बाद मंदिर दिवाली और नवरात्रि जैसे अवसरों के लिए उत्सव की मेजबानी भी करेगा। मंदिर पूरा व्हाइट कलर में बनाया गया है। इसकी कारीगरी और चित्रकारी बहुत ही अद्भुत है। सीढ़ियों से ऊपर जाने के बाद आपको मंदिर की लॉबी और मंदिर के चित्र, मंदिर के गुंबद पर बना हुआ फूल, मंदिर की शोभा और दीवारों पर हिंदू धर्म की पूजा स्थलों की फोटो मन को और मोहित कर देती है। यह मंदिर काफी बड़ा है और एक बार में 1000 से लेकर 1200 भक्त मंदिर में पूजा कर सकेंगे। क्या आपने सोचा था कि वास्तव में कभी एक दिन अरब धरती पर मंदिर को बनाने की इजाजत दी जाएगी? यह अन्य देशों के लिए उदाहरण है। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। मंदिर के अंदर की बात करें तो केंद्रीय मंच पर मुख्य देवता होंगे भगवान शिव। आप मंदिर के साथ ही गुरुद्वारे के दर्शन भी कर सकते हैं और मंदिर के आंगन में नंदी जी को भी विराजमान देख सकते हैं। मंदिर की अद्भुत चित्रकला को देखकर मन मोहित हो जाता है। एक बार आपको बताना चाहते हैं कि दुबई में पहली बार उत्तराखंड की बद्रीनाथ जी की भव्य पिक्चर इस मंदिर में आपको दिखेगी। मंदिर विशाल अखरोट की लकड़ी के दरवाजों और घंटियों, हाथियों और फूलों के रूपांकनों से सजाए गए कंक्रीट के ऊंचे खंभों से सजाया गया है। विशाल अष्टकोणीय आकार के प्रार्थना हॉल के अंदर नाजुक पैटर्न वाले पोडियम में भारत के 16 देवी देवता होंगे। भगवान शिव हिंदू देवता केंद्रीय मंच पर 15 अन्य देवी देवता के साथ मुख्य देवता होंगे। प्रार्थना कक्ष में शामिल अन्य देवताओं में गणेश, कृष्ण, महालक्ष्मी और दक्षिण भारतीय देवता गुरुवायुरप्पन और अयप्पन हैं। तुलसी के पौधे पोडियम, मुंडन और अन्य धार्मिक प्रथाओं के लिए एक विशेष स्थान भी अलग रखा गया है। UAE मीडिया आउटलेट के अनुसार देवताओं को स्थापित करने के बाद 10-12 पुजारी एक प्राण प्रतिष्ठापन समारोह का आयोजन करेंगे जो मंदिर को ऊर्जा कंपन प्रदान करेगा। मंदिर में कम से कम 8 पुजारियों को पूर्णकालिक रूप से नियुक्त किया जाएगा। मंदिर में एक पूरी तरह कार्यात्मक रसोई के साथ साथ एक सूखा और ठंडा भंडारण क्षेत्र भी है। नॉलेज रूम और कम्युनिटी हॉल दोनों में कई LCD स्क्रीन लगाई जाएंगी। मंदिर के समृद्ध आंतरिक और बाहरी भाग में 9 ऊंचे शिखर, अलंकृत स्तंभ और सफेद संगमरमर में दस्तकारी की मूर्तियां शामिल हैं। इसमें भक्तों के लिए ज्ञान कक्ष, आउटरीच पहल के लिए एक सामुदायिक केंद्र, एक जगह जहां सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है सहित कई तरह की सुविधाएं होंगी। शुरुआत में केवल पूजा क्षेत्र ही जनता के लिए सुलभ होगा। 14 जनवरी से मकर संक्रांति से ज्ञान कक्ष और समुदायिक केंद्र भी जनता के लिए खुले रहेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दुबई गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह दुबई में दूसरा मंदिर बनवाया। पहला मंदिर की वीडियो आई बटन में आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर में 16 देवी देवताओं की कौन कौन सी मूर्तियाँ रखी गयी है। श्री गणेश, भगवान गुरु वायुरप्पन, भगवान अयप्पा, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम लक्ष्मण सीता मैया और हनुमान,
श्री राधा कृष्ण, श्री झूलेलाल, भगवान शिव पार्वती, माँ मूकाम्बिका देवी, भगवान वेंकटेश्वर, माता दुर्गा, माता वल्ली और दीवानाई के साथ भगवान मुरुगन, श्री जलाराम वापस, श्री साईं बाबा, श्री हनुमान जी, भगवान नवग्रह जो कि आपको मंदिर के पीछे की तरफ विराजमान मिलेंगे, आप उनके दर्शन कर सकते हैं 4 अक्टूबर को। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना स्लॉट कैसे बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप उसको क्लिक करें और आप इस पेज में चले जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हिंदू टेंपल दुबई पेज के नीचे जो 4 लाइनें दे रखी हैं उस पर क्लिक करिए। आप टेंपल विजिट पर क्लिक करें जैसा कि आपको दिख रहा है और बुकिंग डेट एंड टाइम सेलेक्ट करिए। जिस टाइम में आपको जाना है एक दिन पहले आपको अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा, उसी दिन आप नहीं कर सकते। अपना नाम डालिए, अपना फोन नंबर डालिए और ईमेल आईडी डालिए और उसके बाद कितने पर्सन हैं वह डालिए और यह सेंड कर दीजिए। आपके मेल पर कंफर्मेशन आ जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वहां पर आप पार्किंग भी फ्री ले सकते हैं। QR कोड स्कैन करने के बाद यहाँ पर प्रसाद में आपको काजू किशमिश मिलेंगे। मंदिर में जाने के लिए आप बस, टैक्सी या मेट्रो से भी जा सकते हैं। मेट्रो में जाने के लिए आप एनर्जी मेट्रो स्टेशन तक जाइए। उसके बाद जैसे आप बाहर निकलेंगे तो 1 मिनट के फासले में ही जबल अली गार्डन की बस खड़ी होती है जिसका नंबर है F44। उसके बाद आपको 4 स्टॉप के बाद उतरना है। जिस स्टॉप में आपने उतरना है उसका नाम है मुंतजह कॉम्प्लेक्स 1। वहाँ से उतरने के बाद आप 2 मिनट में मंदिर पहुँच सकते हैं। Thank you.